और आए थे हम खजी आर में, जिसे बोलते हैं इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ के टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस। और ये वाकई रियली नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारे होटल के पीछे एक टेंपल भी है और यहाँ पे ये भी होती है पैराग्लाइडिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने और भी टूरिस्ट है, सब पैराग्लाइडिंग वाले ही है। तो अब टाइम है होटल रवि लॉज को बाय कहने का। और बिल्कुल एंट्री पे 1000 की है और 1000 का रूम मिला था, तो काफ़ी अच्छा है, 1000 में बुरा नहीं है, बजट होटल है। और अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज की अपनी ट्रैवलिंग। माजू रेडी हो? व्यूज अच्छे आते हैं और पैराग्लाइडिंग सेंटर ही होते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है 2500 पर हेड इसके चार्जेस है पैराग्लाइडिंग करने के। हाँ, एक और भी है उधर है ना, 1000 राइडिंग करवा जाओ। और हम लोग पहुंच गए अभी खजियार के मेन एडवेंचर ग्राउंड में और यहाँ पे बहुत सारी होती है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और रिफ्रेशमेंट के काफ़ी सारे आइटम हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर ग्राउंड में और देखते क्या क्या है। और #हैशटैग चलो चंबा मिनी स्विट्जरलैंड के एंट्री पे रुकने के लिए होटल भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और ये इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड ऐसी एंट्री होती है। तो ये यहाँ का मेन एडवेंचर ग्राउंड, यहीं पे पार्किंग हो जाती है साइड में, रोड पे ही फ्री पार्किंग है। और ये बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे खूब सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। और रुकने के लिए होटल भी है, रेफ्रेशमेंट के लिए आइटम भी है। माजू मेल्डन 20 रुपए ये यहाँ की लेक जाने का रास्ता किस पर चल रही है। एक साइड चल रहा है अपना शॉर्ट ब्रेक और ये बिल्कुल ग्राउंड के बीच में है जो लेक है, बहुत सारी फिश है इसमें। बोर्डिंग ऑप्शन हियर, अनदर पैराग्लाइड ऑप्शन, बबल राइडिंग। 500 रुपये बोल का चार्ज है, तो भी ये ट्राई करके देखते हैं। माजो अंदर गया जंपिंग करने के लिए, ब्रिज भी बने हुए यहाँ पे से। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खजियार से अमृतसर, क्योंकि हमें चलना है वहाँ पे देखने के लिए गोल्डन टेम्पल। और भी वहाँ के कुछ टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस, तो चलते स्टार्ट करते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए अमृतसर के लिए फ्रॉम खजियार। भाजी कितना चार्ज इसे घटेगा? 500 रुपये। कितना दूर ले जाओगे? राउंड घुमाएंगे पार्क पूरा। बाकी खजियार टू अमृतसर पंजाब जाते हुए रास्ते में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पड़ते हैं, तो देखते क्या क्या पड़ता है वो भी एक्सप्लोर करेंगे चलते हुए। कंप्लीट ग्राउंड व्यू फ्रॉम सिंगल प्लेस, ऑसम ब्यूटीफुल। तो हिल्स एरिया तो हम लोगों ने काफी एक्सप्लोर कर लिया, अब टाइम है प्लेन एरिया को एक्सप्लोर करने का। तो काफी गर्मी से रिलीफ मिला हिल्स एरिया में आके, और अब फिर प्लेन एरिया की साइड में जा रहे हैं क्योंकि, और अब फिर वही गर्म हवा, ट्रैफिक, पॉल्यूशन। काला टॉप के लिए 250 रुपीज़ अलग से। मेन कैंपस डलहौजी पब्लिक स्कूल, ये पहुंच गए हम लोग मेन डलहौजी सिटी में एमजी रोड पे। ये है इंडो तिब्बत मार्केट, ये है ना इधर सामने एमजी रोड है, इधर चर्च है। तो हम लोगों ने यहाँ ये सब कवर किया था एक दिन पहले की वीडियो में। बेटा कल गए थे तो टाइम कहीं और जाने का है। साइडिंग के पॉइंट जो हमने कल अपनी वीडियो में कवर किए थे, बाने के टनल हट्टी चोरी लारी नेशनल हाईवे 154A। जैसे हम लोग नीचे की साइड में पड़ रहे हैं गर्मी भी बढ़ती जा रही है। 150
बाद नंदीकोट 12 किलोमीटर। यहाँ करते हैं लंच, चलो बैठो। नोकिया आइटम देखो होटल से कितना अच्छा व्यू आता है। अच्छा, सस्ता और बेस्ट एंड टेस्टी ढाबे की खाने की बात ही अलग है। दूनेरा स्टार्ट हो चुका है, पंजाब का एक गांव। पंजाब स्टार्ट हो चुका है पंजाब के गांव से, और यहाँ पे रखा है क्या बोलते हैं, कच्चा पापड़, आम पापड़। और यहाँ से लेना है हमें राइट, सरना अमृतसर। रोड मस्त है यहाँ के, पूरा प्लेन एरिया आ चुका है, माउंटेन फिनिश, और गर्मी में टेम्परेचर 35 पे पहुँच चुका है। वेलकम टू द होली सिटी, एक गोल्डन टेम्पल जैसा ही है। गोल्डन टेम्पल पार्किंग, एंट्री से पहले का दृश्य है। एंट्री पे ही है कार पार्किंग, तो यहीं पे लगा देते हैं अंदर। 35 रुपए बड़ी सी कार पार्किंग है, कहीं भी लगा दो और फिर चलते हैं अंदर। बिल्कुल 500-600 मीटर दूर है उसे गोल्डन टेम्पल, और बड़ी सी पार्किंग है बहुत ही। एंट्री पे ही मार्केट है और यहाँ पे सारे आइटम मिल जाते हैं। बाजी है ऑलरेडी, ये बाबा जी निशानी है महाराजा रंजीत सिंह जी। चारों तरफ अच्छे से मार्केट है, होटल भी है। मार्केट है और सारे आइटम मिल जाते हैं यहाँ पे, पूरी लग रही सेंट्रल मार्केट है दिल्ली वाली, लाजपत नगर वाली। बाजी है मेरे पास है, जूते और कपड़े बहुत है यहाँ पे। अमृतसर वैसे फेमस है अपने कपड़ों के लिए और जूतों के लिए, मेनली रिपोर्टों के लिए, और लेडीज का जितने भी क्लोथिंग आइटम होते हैं उनके लिए तो बहुत पॉपुलर। खूब भीड़ भाड़ है लोकल मार्केट में। रुपट्टे बहुत सारे यहाँ पे, रुपट्टे अच्छा ऊपर वाले वो। ये इन लोगों की याद में बना रखा है यहाँ पे, और इन लोगों के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे सबके। चौक है ये बेसिकली, और दूर से ही दिख गया गोल्डन टेम्पल। अब पास चल के देखते हैं। अमृतसर जूतिया फेमस है, सॉरी। और एंट्री से पहले सर कवर करना लाजमी है, नहीं तो एंट्री में दिक्कत हो सकती है। पहले की मार्केट, तो चलते सामने एंट्री करते। मार्केट औसम में हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से, छोटी से बड़ी से बड़ी से, ऐसे मार्केट है पूरी, ऐसे एंट्री होती है। फ्री है, यहाँ पे शूज रख सकते हैं, फिर अंदर चलते हैं। सेंट्रल सिख म्यूजियम, सेंट्रल सिख म्यूजियम एंट्री है यहाँ से। फीट वॉश, ऐसे एंट्री होती है, ऐसे एंट्री होती है, ऐसे एंट्री होती है। ये मेन टेम्पल है, आ जाओ पाजी, आ जाओ आ जाओ। और ऐसे चारों तरफ का व्यू है, यहाँ से एंट्री होती है। ऑसम ब्यूटीफुल प्लेस, फ्री किचन, लंगर फ्री है, लंगर की तैयारी चल रही है वहाँ पे। Thank you.
ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में। भीड़ अच्छी खासी है इधर तो, बैठने बैठने का भी अरेंजमेंट इधर है, लंगर की साइड यहाँ पे लंगर चल रहा है, कई हजार प्लेटें होगी। थैंक यू दोस्त। वॉलंटियरली काम चल रहा है इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी सारी प्लेटें प्लेटें पानी का तो सही में एकदम नहीं है। वाह कलर्ड फिश है, वेरी गुड। नाइट का व्यू ऐसा आ रहा है कुछ, वाह ब्यूटीफुल। हाँ ओके ओके, रात में भी कुछ ऐसा आ रहा है ब्यूटीफुल, रात में भी वैसा आता है ब्यूटीफुल। मार्केट का व्यू कुछ ऐसा होता है, फुल भीड़ भाड़ हो रही है अभी भी। गोल्डन टेम्पल वालों का गेस्ट हाउस है और इसमें फिक्स है प्राइस 1000 रुपये। अगर रूम अवेलेबल हो तो ये भी बुक किया जा सकता है एडवांस में। तो गोल्डन टेम्पल की जो कमेटी है उसी का है ये भी। ये देखो ओपन बस यहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे। अरे ये ले लिया होटल हेरिटेज 1500 रुपये में। हेरिटेज 1500 में बुक हो गया है और रूम कुछ इसका ऐसा है, ये इसका रूम है। क्या? ये मैं हूँ। तो टाइम हो गया अभी 8:45 और अब टाइम एडिटर करके रेस्ट करने का। तो आज का जो वीडियो है वो करते हैं यहीं पे स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।